नमस्कार, केपी न्यूज 24x7 में मैं प्राप्ति आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। मेदर के कंठाना ग्राम में अंबेडकर की मूर्ति को हटाने के विरुद्ध लोगों ने किया प्रदर्शन। बीजापुर गोल गुंबज पुलिस स्टेशन में एमएमसी द्वारा वसीम रिजवी के खिलाफ मामला दर्ज। बीजापुर में बारगाह मोती गुंबज का 401वां उर्स बड़ी आस्था और श्रद्धा के साथ मनाया गया। कर्नाटक कांग्रेस के विधायकों ने सीडी मामले में बुधवार को विधानसभा में रात भर विरोध प्रदर्शन करने का किया फैसला। सुप्रीम कोर्ट के जज एनवी रमन होंगे देश के अगले चीफ जस्टिस। मौजूदा चीफ जस्टिस बोबड़े ने सरकार को भेजा नाम। अब समाचार विस्तार से। आज कमठाना ग्राम में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सड़क के बीच से अंबेडकर की मूर्ति हटाने पहुंचे प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को ग्राम निवासियों ने काम करने न देकर अंबेडकर चौक के चारों ओर लोग धरने पर बैठ गए। तहसीलदार, अतिरिक्त आयुक्त और डीएसपी ने धरने पर बैठे लोगों को बताया कि मूर्तियों को हटाने का आदेश सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया है। लोगों ने आग्रह किया कि 14 अप्रैल तक मूर्ति को न हटाया जाए, जिस पर अधिकारियों ने 14 अप्रैल तक का समय दिया है। बीजापुर में एमएमसी द्वारा गोल गुंबज पुलिस स्टेशन में लखनऊ शिया बोर्ड के सदस्य वसीम रिजवी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इस अवसर पर तनवीर पीरा हाशमी, हामिद मुशरिफ, रजाक होटी और खादरी वकील सहित अन्य उपस्थित थे। वसीम रिजवी और कुरान आयत नम 26 आयत अदु देवर माडिद्दद नाव नीवु यारू माडिल्ल अदु ओंद अक्षर चेंज माड्लक बरंगिल्ल अव 26 क सुप्रीम कोर्ट कोर्ट केस माडान अव ओंदु सूळ मनुष्य सीधा चंदागि अव केस तकोंडु माडिद्रे चलो इल्लिक नाव केस माड्लिकत्तीव केस माड्लिकंद्र गांधी चौक आगलि अंबेडकर सर्कल आगलि नाव अल्लिंद मनवि कोड्तीवि अवग अरेस्ट माड्कोंडु बिजापुर तं बिजापुरदोळगे केस माडंत नाव मनवि बीजापुर सैनिक स्कूल के करीब हबीब नगर में मौलाना सैयद हबीब उल्ला बारगाह मोती गुंबद का 401वां उर्स मनाया गया। सरकार के सभी नियमों का पालन करते हुए मास्क और सामाजिक अंतर का पूरा ध्यान रखा गया। इस अवसर पर श्रद्धालु अधिक संख्या में उमड़े थे। बीजापुर नगर निगम आयुक्त हर्षा शेट्टी ने शहर वासियों को कोविड संक्रमण नियंत्रण के संबंध में बताया और कहा कि सभी अनिवार्य रूप से मास्क का उपयोग करें। उन्होंने कहा अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो 250 रुपए का फाइन लगाया जाएगा। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की मार्गसूची के अनुसार कोविड-19 जो बहुत गंभीरता से यहाँ पे दूसरे बार जो आने का संकेत चल रहा है तो उसके बारे में हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और महानगर पालिका की तरफ से लोगों में जितना हो सके उतना अवेयरनेस फैलाने का हमारा जिम्मेदारी है। इसके लिए मास्क जो है वो सब लोग पहनना चाहिए। अगर मास्क नहीं पहनते हैं तो महानगर पालिका के सरहद में 250 रुपये का पेनल्टी जुर्माना उनको भरना पड़ता है। तो इसके वास्ते हमने कम से कम 7 से 8 टीम्स बनाए हैं जो मार्केट एरिया में तैनात रहेंगे और जो हमारे दुकानदार रहेंगे पहले उनको पेनल्टी हम डालेंगे और उनको ये समझना होगा कि खुद भी मास्क पहने और उनके कस्टमर्स जो भी उनके दुकान में आएंगे उनको भी अगर कंपलसरी मास्क पहनकर ही उनको दुकान में आने का वो कष्ट उठाएंगे तो कोरोना बहुत नियंत्रण में विजयपुर नगर में रहेगा। ये खासकर विजयपुर नगर और ज़िले में हम बहुत चेतावनी बरतना पड़ता है क्योंकि हमारे बाजू में ही महाराष्ट्र में अभी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे केसेस बढ़ रहे हैं। तो पहले का जो हमारा कोरोना के अगेंस्ट हमारा जो ये था संघर्ष था वो पहली दफ़ा हो रहा था लेकिन अभी हमारे पास एक्सपीरियंस है तो ज़्यादा लोग निर्लक्ष्य न करते हुए सामाजिक अंतर और
बड़े बड़े पैमाने पे कार्यक्रम न मानते हुए और मास्क कंपलसरी अगर वो डालेंगे तो कोरोना विजयपुर नगर में नियंत्रण में रहेगा। धन्यवाद। कर्नाटक कांग्रेस के विधायकों ने राज्य को हिला देने वाली सीडी कांड के संबंध में बुधवार को विधानसभा में रात भर विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया है। विधायकों को घर से तकिए और बिस्तर लाने के लिए कहा गया है। सत्र स्थगित होते ही वे विधानसभा में सो जाएंगे। कांग्रेस विधायक कर्नाटक सीडी पंक्ति की न्यायिक जाँच और अदालत चले गए 6 मंत्रियों के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आपके अपने शहर, राज्य, देश और दुनिया भर में क्या कुछ हो रहा है जानने के लिए, देश प्रदेश की राजनीति से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर से बाखबर रहने के लिए और सुबह से लेकर रात तक आपके मनोरंजन के लिए, कानून से जुड़ी समस्याओं के उपाय जानने के लिए और हेल्थ से जुड़ी बातों को जानने के लिए, देखते रहिए आपका अपना टीवी चैनल केपी न्यूज 24x7। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। जेडीएस के कलबुर्गी जिला प्रभारी तिमैया पुरले ने संपूर्ण जिले का दौरा कर विभिन्न पदों पर नियुक्त करने के लिए राय मशवरा किया। सेकुलर के गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के इंचार्ज तिमैया पुरले साहब आज गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के तमाम गुलबर्गा के तालुकों में अपना विजिट करके पूरे जेडीएस के वर्कर से मुलाकात की और पार्टी के रीऑर्गेनाइजेशन के ताल्लुक से पार्टी के तालुका घटक जो होते हैं, तालुका के जो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, कार्याध्यक्ष और सेक्रेटरी किस किस को बनाना चाहिए, वो तमाम लोगों की लिस्ट और जो है 102 एवरी एमएलए कॉन्स्टिट्यूंसी के 102 एग्जीक्यूटिव मेंबर्स की लिस्ट जो है प्रिपेयर हुई है और तमाम लोगों से मुलाकात करके जो जो भी एस्पिरेंट्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करने के लिए और एमएलए कैंडिडेट्स जितने भी एस्पिरेंट्स थे उन तमाम लोगों के वर्कर्स का ओपिनियन कलेक्ट करने की जिम्मेदारी, पार्टी को रिस्ट्रक्चर करने की जिम्मेदारी तिमैया पुरले साहब को दी गई थी। उन्होंने गुलबर्गा के तमाम असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर मुलाकात करके जो है उनकी उस प्रोसेस को मुकम्मल किया है। तो उसी ताल्लुक से आज जो है मीडिया के जरिए तमाम पार्टी लोगों को और तमाम लोगों को बताने का जो है प्रेस मीट यहाँ पर रखा गया था और साथ ही साथ बसवा कल्याण के इलेक्शन के ताल्लुक से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक जनता दल सेकुलर की एक लहर जो हम बोल सकते हैं, यहाँ पर तमाम आवाम और नौजवान और सीनियर सिटीजन्स पूरे हमारे जनता दल की तरफ रुख कर रहे हैं। आने वाले दिनों में जनता दल सेकुलर गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक बहुत बड़े पैमाने पर उभर के आएंगे बोल के आपके सोशल मीडिया के थ्रू मैं बोलना चाहता हूँ। और जिस तरह से हाईकमान के आदेश के मुताबिक वार्ड कमेटी बुटको में अभी सीनियर
सिटीजन बूथ कमेटी का काम चल रहा है। आने वाले दिनों में यूथ की भी सेम प्रोसेस रहेगा। जैसा आप सीनियर सिटीजन का जो वार्ड कमेटी, तालुका कमेटी, डिस्ट्रिक्ट कमेटी के लिए जो बूथ वाइज काम करके वहाँ पर वर्कशॉप खोल के वहाँ के वर्कर्स को और हमारे वहाँ के वर्कर्स को लीडर बनाना, बल्कि कुमार समी साहब, निखिल कुमार साहब पार्टी प्रेसिडेंट का एक कॉन्सेप्ट है कि भाई कोई हमारे वर्कर्स लीडर्स जो है, वर्कर्स जो है वहाँ पर मोहताज नहीं होना, किसी के बारे में ये नहीं होना, उनको लीडर हर तरह से ट्रेन करके पूरी तरह से तैयारी रहना, क्योंकि आने वाले दिनों में इलेक्शन ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत और MLA इलेक्शन आने वाले हैं। ये BJP और कांग्रेस के लोग जो यहाँ पर वर्कर्स को और पब्लिक को जो है मालूम है काम नहीं करके पूरा गवर्नमेंट फेलियर है, इसीलिए हमारे कुमार सभी साहब जो है यहाँ पर नए नए लोगों को ला के उनको पुराने वर्कर्स को और नए वर्कर्स को ट्रेन करके वो इंडिपेंडेंट हर चीज़ को फाइट करना, आने वाले दिनों में फाइट करके एक अच्छा मैसेज पब्लिक को, अच्छा एक हेल्प करना बोल के उनका कॉन्सेप्ट है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ये जनता दल सेक्युलर बहुत बड़े पैमाने पर गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत बड़े पैमाने पे और अच्छे MLA और तालुका पंचायत में, ग्राम पंचायत में, TP के इलेक्शंस में ये बहुत बड़े पैमाने पे उभर के बहुत सारे कैंडिडेट जीत के आके पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे उनके इस मौके पर। सुप्रीम कोर्ट के जज NV रमन देश के अगले चीफ जस्टिस होंगे। मौजूदा चीफ जस्टिस SA बोबड़े ने कानून मंत्रालय को अपने उत्तराधिकारी के नाम की जानकारी दी। SA बोबड़े अगले महीने रिटायर हो रहे हैं। ऐसे में एक महीना पहले उन्होंने सरकार को जस्टिस रमन का नाम सुझा दिया है। बता दें कि चीफ जस्टिस SA बोबड़े के रिटायर होने में एक महीने से भी कम का समय बचा है। ऐसे में सरकार ने नए चीफ जस्टिस की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस क्रम में CJI से अपने उत्तराधिकारी के नाम की सिफारिश मांगी गई थी। बिहार विधानसभा में मंगलवार को बिहार पुलिस विधेयक को लेकर काफी हंगामा देखने को मिला। सदन में पुलिस ने कथित तौर पर RJD विधायक सतीश कुमार के साथ मारपीट की, जिसके बाद उन्हें विधानसभा से स्ट्रेचर पर लेके आया गया। उन्होंने कहा कि देखिए एक निर्वाचित प्रतिनिधि के साथ आज कैसे पेश आया जा रहा है। इस दौरान विपक्ष की महिला विधायकों को भी महिला सुरक्षा कर्मियों ने विधानसभा भवन से बाहर कर दिया था। विधायक विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा को उनके कक्ष से बाहर निकलने से मना किया गया था। विपक्षी राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और वाम दल के महागठबंधन के सदस्य बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021 का विरोध कर रहे थे। उन्होंने इसे लेकर विधानसभा में हंगामा किया, जिसके चलते सदन की कार्यवाही दिन में 5 बार स्थगित करनी पड़ी। पश्चिम बंगाल में BJP के चुनाव प्रचार अभियान में अब मिथुनदा की भी एंट्री होने जा रही है। ताजा जानकारी के मुताबिक बीते दिन में सुपरस्टार मिथुन चक्रवर्ती आखिरकार 25 मार्च से भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव प्रचार में उतर रहे हैं। बता दें कि मिथुन चक्रवर्ती ने 7 मार्च को परेड ब्रिगेड ग्राउंड में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी। तभी से उनके पार्टी के लिए प्रचार करने पर कयास लगने शुरू हो गए थे और अब पहले चरण के चुनाव के महज 2 दिन पहले मिथुन चक्रवर्ती जंगल महल से BJP के लिए चुनाव प्रचार शुरू करने जा रहे हैं। देश में कोरोना वायरस के केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। बॉलीवुड इंडस्ट्री के कई सितारे भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अब एक्टर आमिर खान भी COVID-19 पॉजिटिव हो गए हैं। कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद आमिर खान होम क्वारंटीन हो गए हैं। आमिर के स्पोक्स पर्सन ने कहा कि आमिर खान COVID-19 पॉजिटिव पाए गए हैं। वो घर पर सेल्फ क्वारंटीन में हैं और सभी प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर रहे हैं। वो ठीक हैं। जो भी कोई बीते कुछ दिनों में उनके संपर्क में आए हैं, उन्हें भी एहतियात के तौर पर अपना टेस्ट करवाना चाहिए और नियमों का पालन करना चाहिए। आइए फिर देखते हैं मुख्य समाचार। बिदर के कमठाना ग्राम में अंबेडकर की मूर्ति को हटाने के विरुद्ध लोगों ने किया प्रदर्शन। बीजापुर गोल गुंबज पुलिस स्टेशन में MMC द्वारा वसीम रिजवी के खिलाफ मामला दर्ज। बीजापुर में बारगाह मोती गुंबज का 401वां उर्स बड़ी आस्था और श्रद्धा के साथ मनाया गया। कर्नाटक कांग्रेस के विधायकों ने CD मामले में बुधवार को विधानसभा में रात भर विरोध प्रदर्शन करने का किया फैसला। KP न्यूज 24x7 में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए KP न्यूज 24x7। धन्यवाद।